नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। में हूं आपके साथ रण्या तिवारी। बात करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ बड़ा हादसा। कुंभ इलाके में झुग्गियों पर सोसाइटी दीवार गिरने से 15 लोगों की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। बारिश के चलते हुआ हादसा। शुरुआती जांच में कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने आई गड़बड़ी। मृतकों में ज्यादातर बिहार और बंगाल के लोग शामिल। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने 4 लाख रुपए और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कश्मीर पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा, अमित शाह ने संसद में कल जो कुछ भी कहा वो ऐतिहासिक सत्य है। राम माधव ने कहा, कश्मीर की समस्या नेहरू जी के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार की नीतियों की देन है। इसने जम्मू कश्मीर के लिए अलग दर्जे की मांग को जन्म दिया। जम्मू कश्मीर में परेशानी के लिए कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर तस्वीर की पोस्ट। तस्वीर में दोनों नेता हंसते हुए नजर आए। G20 शिखर सम्मेलन हुआ खत्म। सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से की मुलाकात। कहा, एक सुरक्षित विश्व के लिए सभी को साथ आने की जरूरत है। हार की जिम्मेदारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नाराजगी के बाद पार्टी में शुरू हुआ इस्तीफों का दौर। दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोथिया, तेलंगाना के पूनम प्रभाकर और गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक बावरिया ने भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सामने आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि वो अपने घुटनों का इलाज करवा रहे थे। तेजस्वी ने लिखा कि दोस्तों, मैं पिछले कुछ हफ्तों से लिगामेंट और एसीएल इंजरी यानी कि घुटनों की चोट का इलाज कराने में व्यस्त था। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे पर बोले पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे का अपनी सहूलियत के हिसाब से करती है इस्तेमाल। कश्मीर मामला पटेल संभालते तो स्थिति कुछ और होती। दिल्ली में रात के वक्त बढ़ती अपराध की घटनाओं को देखते हुए खुद पेट्रोलिंग पर निकले पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक। कमिश्नर ने पेट्रोलिंग रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के स्टार्टिंग प्वाइंट से शुरू की, जिसके बाद वो एम्स होते हुए राजधानी के विभिन्न इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। एनडीआरएफ की ओर से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एसडीआरएफ के क्षमता निर्माण पर 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ को धन्यवाद किया। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में लगातार जारी जोरदार बारिश से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। बारिश और जलभराव के चलते सड़कों पर लगा लंबा जाम, एयर ट्रैफिक में हुआ प्रभावित। आंध्र प्रदेश के गुंटकल शहर में मिला भिखारी का शव। पुलिस के तलाशी लेने के दौरान भिखारी के बैग में मिले लाखों रुपए। भिखारी की पहचान बशीर साहब के रूप में हुई, जो पिछले दिनों से बीमार था। झारखंड में दुमका के तालझारी के चंदन पहाड़ी गांव में एक शादी समारोह में खाने के दौरान फूड पॉइजनिंग से 100 लोगों हुए बीमार। भोजन में छिपकली मिलने से लोगों को उल्टियां शुरू हो गईं। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बीमार लोगों को जल्द ही पहले जरमुंडी रेफरल अस्पताल भेजा गया। झारखंड
जुलाई की पहली तारीख से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए राज्य प्रशासन ने पूरी तैयारियां की। देशभर से श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। पहला जत्था 30 जून को भगवती नगर से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हो जाएगा। दुनिया भर में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान ईस्ट कोस्ट रेलवे ने किया फैसला। पूरी जाने के लिए रेलवे चलाएगा 194 ट्रेन। 4 जुलाई से 13 जुलाई तक चलाई जाएंगी ट्रेनें। 4 जुलाई से शुरू होने जा रही है जगन्नाथ यात्रा। कर्नाटक के मंगलुरु में युवक ने छात्रा पर जानलेवा हमले के बाद की आत्महत्या करने की कोशिश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को निजी अस्पताल कराया भर्ती। शुरुआती जांच में सामने आया प्रेम संबंधों का मामला। हाथरस के शहर के तमनागढ़ी निवासी सीआरपीएफ के एएसआई मदनपाल सिंह के शहीद होने की खबर से परिवार के साथ शोक में डूबा गांव। शहीद 5 दिन पहले ही छुट्टी खत्म कर छत्तीसगढ़ गया था। इंदौर में बैटकांड के आरोपी बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका पर पूरी हुई सुनवाई। कोर्ट ने आकाश की सुनवाई पर फैसला रखा सुरक्षित। इंदौर में बैटकांड पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विकास विजयवर्गीय पर इशारों में कसा तंज। सीएम ने एक ब्लॉग में लिखा कि बल्ला मैच की जीत का प्रतीक होना चाहिए, प्रजातंत्र की हार का नहीं। सहारनपुर दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और गौशाला का दौरा किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़ी जातियों को लेकर किया बड़ा फैसला। योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में किया शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ के अफसरों को सख्त आदेश के बाद सभी अधिकारी उनके निर्देश का पालन कर रहे हैं और वक्त पर दफ्तर पहुंच रहे हैं। सुबह 9 बजे दफ्तर आने के सीएम योगी ने दिए थे आदेश। नोएडा में अब मंचलों पर नकेल कसने के लिए यूपी पुलिस ने शुरू की अनोखी पहल। महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले युवकों को दिया जाएगा रेड कार्ड। इस रेड कार्ड को चेतावनी के तौर पर मंचलों को दिया जाएगा। अगर इसके बाद मंचलों ने फिर किसी महिला के साथ बदसलूकी की तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। सभी कॉलेजों और स्कूलों में रेड कार्ड बांट देने के प्रशासन ने दिया आदेश। यूपी के कासगंज में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की लोगों ने की पिटाई। इलाज के लिए मना करने पर मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट। डॉक्टर पर लगाया नशे में रहने का आरोप। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के बिजनौर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की पिटाई से एक युवक की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने थाने में के बाहर शव को रखकर किया जमकर हंगामा। पुलिस ने मामला दर्ज कर परिजनों को उचित कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। यूपी पुलिस की फिर सामने आई बेरहम तस्वीर। चोरी के शक में गिरफ्तार के शख्स की बेरहमी से की पिटाई। जुर्म कबूल ने के नाम पर 1.5 घंटे तक थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं पुलिसकर्मियों ने उसके पैरों को कुचला और डंडे भी बरसाए। यूपी के फिरोजाबाद में हाईवे पर एक चलते हुए ट्रक में लग गई आग। देखते ही देखते जलकर राख हुआ ट्रक। ट्रक ड्राइवर और सहकर्मी ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। ट्रक का डीजल टैंक फटने से लगी आग। यूपी के सीतापुर में कलयुगी मां की करतूत। एक महिला ने की अपनी ही बीमार बच्ची की हत्या। महिला ने मासूम को घर में दफनाकर घर को लगाई आग। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर बच्ची के शव को गड्ढे से बरामद किया। गांव वालों की मदद से महिला को हिरासत में लिया। आजमगढ़ में फर्जी कंपनी खोलकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक जालसाज आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी अभी तक कई लोगों को लाखों का लगा चुका है चूना।
फैसले पर। योगी सरकार का कहना है कि ये जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, अब इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए जिला अधिकारियों को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दिया गया आदेश। आजमगढ़ में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पुलिस ने नकली शराब की 67 पेटियों की जब्त। नकली शराब की बोतलों पर बॉम्बे विस्की नाम के स्टिकर लगाए गए थे। बरामद शराब की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हरिद्वार में आर्टिकल 15 फिल्म को लेकर विरोध और ज्यादा हुआ उग्र। फिल्म के रिलीज वाले दिन श्री ब्राह्मण सभा, परशुराम सेना समेत कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हरिद्वार के पेंटागन मॉल पहुंचे और फिल्म को बैन करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन।